ये बलून्स देख रहे हैं आप, इतने सारे बलून्स। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों फुलाए जा रहे हैं इतने सारे बलून्स। दरअसल आज बहुत खास दिन है, ये रात 12 बजे की तैयारी हो रही है ताकि अगले को सरप्राइज दिया जा सके। अक्सर मैं इस आपको कमी दिखता हूँ, मतलब बहुत आता ही नहीं, बहुत कम आता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम उतना होता नहीं है। लेकिन आज जो इस YouTube की मालकिन है अमन, उसका जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कुछ तैयारी की जाए। अगर बाहर से किसी को हायर करके तो कुछ भी करवाया जा सकता था, लेकिन जब खुद तैयार करो ना किसी चीज को और किसी को खुश करने के लिए, तो उसकी खुशी एक अजीब होती है। खुश इंसान खुश रहता है और मतलब अपने हाथों से जब मेहनत करता है तो वो अच्छा लगता है कि हमने खुद अपने हाथों से प्रिपरेशन की है किसी चीज के लिए, किसी के बर्थडे के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास इंसान के लिए जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे मौकों पर मैं अक्सर, मुझे अच्छा भी लगता है किसी के लिए कुछ करना, किसी खास के लिए कुछ करना, और खास करके अमन के लिए जो मेरे लिए भी बहुत कुछ करती है। तो मैं जब ये कर रहा हूँ तो मैंने सोचा पहले किसी को बुला कर डेकोरेट करवा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बुला के डेकोरेट करवाने में वो मजा नहीं है जो खुद करने में है, इसीलिए मैं उसके लिए हर वक्त ये कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही करूँ ये सब चीजें, ताकि अच्छा हो बुरा हो खुद के मेहनत से करूंगा तो उसे मतलब मुझे अपने मतलब संतुष्टि होती है मुझे कि मैं अपने हाथों से, मैंने अपने हाथों से किया है ये डेकोरेट किया है। जरा ये दिखाई जरा डेकोरेशन, शायद आप लोगों को भी आई होप सो अच्छा लगे। मैंने तो अपने तरीके से बेहतर किया है, एक एक चीज़ें अच्छे से सजाई है मैंने, हैप्पी बर्थडे ये चीज़ें, हालांकि दुकान में आपको कहीं मिल जाना है ये सब सारी चीज़ें, तो सजा दिया है मैंने कि कुछ अच्छा हो जाए। और भी अभी सजाना बाकी है, हालांकि काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ इसमें, खाना बनाना भी है और खाना खाना भी है, अकेले हुए रूम मन ऑफिस गई हुई है, शायद वो आए और तो उसे पसंद आए, उम्मीद तो यही है। अभी जितना मेहनत शिद्दत से कर रहा हूँ पसंद तो आना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तैयारी, बर्थडे गर्ल की तैयारी, तो तुम्हें कैसा लगा ये तैयारी? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday to you. अरे तो एक सेकंड तो रुक जाओ, देखो पीछे बैठी हूँ मैं, इधर देखो। ऐसे मत बोलो, ये कैसी है, विकास लेके आया है ये।
देखिए ये जो है पार्टी वो रात के सरप्राइज की पार्टी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दिया, बहुत ही यूनिक सरप्राइज था। उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मेरे ऑफिस के सारे दोस्त हैं जो आ गए हैं, शाम के सेलिब्रेशन की तैयारी अब ये हो रही है। तो ये सारे दोस्त हैं, कुछ कलीग्स भी हैं, कुछ सीनियर्स भी है यहाँ पर। तो ये देखिए मैं अभी तैयार हो गई हूँ और मैं ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम तैयार होकर के ही आप ठीक ठाक दिखोगे। और वहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, काफ़ी हम लोग हंसी चिटोली कर रहे थे यहाँ पर और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये देखिए केक कटिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। और ले मेरा बाबू खाने के। अरे बाबू बोल रहा है तो ये देखिए ये केक कटिंग हो चुकी है और ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे केक खिलाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे मुझसे कि खा लो यार। लेकिन मैं इतना मीठा खा चुकी थी कि मुझे खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी। और ये देखिए ये सब खड़े हैं, मैं सबको बुला भी रही हूँ कि आ जाओ यार। और ये हैं तोताराम भैया जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब मैं जितना इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये देखिए हम लोग का फ़ोटो सेशन भी हो रहा है यहाँ पर, एक एक करके सब आ रहे हैं। जो कि मैं कह रही थोड़ा जल्दी जल्दी आओ ताकि मैं फ्री हो पाऊँ और लोग सब जो हैं वो खाना टाइम पे खा पाए। हाँ एक ज़रूरी बात कि मैं घर पे सेलिब्रेट इसलिए भी की क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर जाना भी सेफ नहीं रहेगा क्योंकि अभी सभी लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव और कोरोना की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर में सेलिब्रेट करते हैं, सेफ रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने घर में सेलिब्रेट किया। और ये देखिए एक ही करके जो है वो सारे लोग आ रहे हैं और अब जो है वो धीरे धीरे जो है हमारी पार्टी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि रात में भी मैंने दो केक कट किया, फिर उसके बाद शाम में भी जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन भी मैंने दो केक कट किया, फिर एक ऑफिस में भी किया। काफ़ी मतलब केक मेरे घर में एकदम भर गए थे, केक ही केक हो गया था। तो ये देखिए ये मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा और इसका नाम राहुल है। मतलब ये मुझे परेशान करता रहता है और इसने पूरे मुंह पे मेरे केक लगा दिया इसने। मतलब मैं उसको कह रही थी यार एक तो मैं तैयार नहीं हुई, जो कम तैयार हुई हूँ उसमें भी तुम केक पोत रहे हो। तो ये लगा दिया इसने, ये नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैंने भी इग्नोर किया, चलो यार ठीक है अगर लगा दिया तो लगा लिया। तो फिर ऐसे ही सब हंस रहे थे, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि देखो। जितना हम लोगों ने केक नहीं खाया उससे ज़्यादा मेरे फेस पे सबने लगा दिया।
ये तो अच्छा था कि मैंने साड़ी पहनी थी, तो इसलिए लोग ज़्यादा इसलिए भी नहीं लगा रहे थे कि उसकी साड़ी ख़राब हो जाएगी। तो ये अविनाश सर हैं, ये मुझे बहन की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से मानते भी बहुत अच्छा है। ये जब आते हैं तब मेरे लिए चॉकलेट लेके आते हैं खूब ढेर सारा, तो इन्होंने भी नहीं छोड़ा मुझे। वो पूरे मुंह पे इन्होंने पूरा केक लगा दिया, मतलब आप समझ लो कि क्रीम मसाज हो रहा था मेरा। और ये देखो कितने आराम से, जो कि मैं एक बार ना उन पर गुस्सा भी की गुस्सा करके मैंने देखा भी उनकी तरफ, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने पूरे फेस पे क्रीम लगा दिया उन्होंने। तो सब लोग ऐसे ही, मतलब पूरा हम लोगों ने इंजॉय किया, डांस वगैरह भी किया। ये देखिए जब हमारा सेलिब्रेशन सब कुछ हो गया, केक कटिंग वगैरह हो गया, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि कुछ फ़ोटोज़ खींच ली जाए ताकि यादगार रहे, और तुमने जो ये फेस पे ये इतना सारा क्रीम लगाया है, तो वो भी खूब मजाक उड़ा रहे थे, देखो ये कैसे फ़ोटो खिंचवाते हैं मेरे साथ। उन्होंने पूरा मस्ती किया और खूब इंजॉय किए हम लोग। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इतने सारे लोग आए मेरे बर्थडे में, और काफ़ी अच्छा फील होता है जब आपके कलीग्स या फिर आपके दोस्त या फिर कह लो जो आपको बहुत मानते हों वो सब लोग, तो वो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ होते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, और मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेहनत की। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, लव यू। और हाँ, आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फैमिली में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।